आजची संकल्पन 2016 साली मंडळण्यात आली. ग्रामीण भाग हा आपल्या समाजाचा पाठीचा कणा असून नेहमी समाजाला आधार देत असतो. गेल्या 3 वर्षाच्या कालात हा कार्यक्रम ग्रामीण उद्योजकता ओळख तोम जोपासतो आणि वाढल वायाचा प्रयत्न करतो. ग्रामीण उद्योजक मेळाव्या आम्हाला नेहमीच राष्ट्रीय दर्जा मिळवून देयाची होतो. आमच्या प्रयत्नाला वर्षी भरघोस यश मिळालो. कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत, गुजरात पासून अरुणाचल प्रदेश पर्यंत सगळ्या ठिकाणावरून उद्योजकांनी सहभाग घेतला आहे. दिस इयर वी रिसीव्ड ए टोटल ऑफ 676 एंट्रीज अक्रॉस अंडर द 4 कॅटेगरीज. ए टोटल ऑफ 116 रुरल एंटरप्रेन्युअर्स, 267 वुमेन एंटरप्रेन्युअर्स, 121 रुरल इनोवेटर्स अँड 119 फ्युचरप्रेन्युअर्स ॲक्टिव्हली पार्टिसिपेटेड इन द 3rd नॅशनल रुरल एंटरप्रेन्युअर मीट. The categories of nominations included agri and allied activities, agro process, artisans, healthcare, textiles, food process, waste management, rural technologies, agri mechanism, etc. Chain prakriya 21 november se 30 november tak aayojit ki gayi thi. Tisra rashtriya gramin udyami sammelan ki aayojit samiti 10 december ko ek baithak ki aur jury dwara sujhai gayi parinam ki pushti ki. निर्णायक मंडल ने अपनी ने संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3 ग्रामीण उद्यमी, 2 ग्रामीण नवप्रतिनकर्ता और 4 भावी उद्यमी को पुरस्कारित करने के लिए चुना है और 1 महिला उद्यमी को भी सम्मानित करने के लिए चुना है जिन्होंने अपनी असाधारण प्रक्रम से सभी बांधवों को दूर करते हुए एक प्रेरणा देने का काम किया है. ये विशेष पुरस्कार का शीर्षक है संघर्ष स्फूर्ति. मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रतिभागियों की प्रशंसा करता हूँ जिन अपनी चयनित क्षेत्र की अवधारणा दूरदर्शिता पर नियंत्रण है. उद्यमिता के शिक्षक होने के नाते हमारे पास कक्षा शिक्षण में एक अनुभव है लेकिन ये सुधारणकर्ता जमीन पर प्रभावशाली परियोजनाओं को लागू की और रोजगारी के नई अवसर प्रदान किए जिसने हमारा समाज के हसियों के समुदाय और महिलाओं को सशक्त होने में मदद मिली. मैं टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था और राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमी सम्मेलन के और से आशा करता हूँ वे आगे अपनी भविष्य सफल ऊंचाई तक पहुँचे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें. हम इस वर्ष एक नई संकल्पन पेश कर रहा है जिसका शीर्षक है सृजना, द प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन. इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण समस्याओं को हल करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मॉडल विकसित करना है और चयनित मॉडल को रूरल ट्रांसफॉर्मेटर अवार्ड प्रदान किया गया है. हमने इस वर्ष इस कार्यक्रम को बढ़ाना देने के लिए परिसर राजदूत कार्यक्रम की भी शुरुआत किया और कठोर परीक्षा के बाद देश भर से 74 परिसर राजदूत को चयन किया है. दिस ईयर वी आल्सो ऑर्गेनाइज्ड माजा अनुभव माय एक्सपीरियंस दिस प्रोग्राम मॉर्निंग ऑर्गेनाइज्ड दिस प्रोग्राम हिट आई थिंक ऑलमोस्ट 300 पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोग्राम. आई थिंक दैट क्रेडिट गोज टू आवर पार्टनर इंस्टीट्यूट SSP and as well as Unlimited India and Tata Institute of Social Sciences. So, we organized another program, panel discussion on marketing challenges of rural enterprises, a way forward in collaboration with Unlimited India Mumbai. This वर्ष आयोजित समिति ने निर्णय किया ग्रामीण उद्यमी श्रेणी ये दिया गया एक पुरस्कार श्री जोसेफ चलावरे कोरोलिनियस कुमारप्पा जिन्हें हम जेसी कुमारप्पा के नाम से भी जानते हैं. जेसी कुमारप्पा भारतीय ग्रामीण औद्योगिकरण के पितामह उन्हें ये पुरस्कार समर्पित है. आई सिंसियरली थैंक प्रोफेसर अब्दुल शबान फार्मर डेप्यूटी डायरेक्टर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज तुलजापुर कैंपस फॉर हिज सपोर्ट टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम. माई स्पेशल थैंक्स टू ऑल जूरी मेंबर्स मिस्टर स्मिता स्वैन
डॉक्टर गुणवंत बिराजदार, शाहजी नरवाड़े, डॉक्टर अंजलि कुलकर्णी, डॉक्टर नीलम यादव, श्री किशोर पाटिल, डॉक्टर सचिन सूर्यवंशी, who in spite of their busy schedule gave their valuable time to select these awards. I also thank all dignitaries today on the stage. In spite of their busy schedule, they are here for all the way, they travel here, and I am thanking all of you, sir and madam. And my special thanks to Dr. K. Venkat Rao, Deputy Director, Rural Craft and Engineering, Mahatma Gandhi Institute for Rural Industrialization, Wardha, for his support, for designing and making awards, and Mr. Sanish Kulkarni, who is alumnus our institute, Managing Director of IIMS Foundation, for his graphic designing. I thank all the participants for their encouragement, involvement, consistent efforts for reaching and for showcasing their creativity, innovations and ideas. I am also thankful to all the colleagues from other colleges and students who participated in this event. I thank all the faculty members, administrative staff, librarian and library staff, research scholars, dining hall staff, security staff, technical staff and pilots of TISS Tuljapur for their support. I also thank all our sponsors, Student Council of TISS Tuljapur and SI alumnus. My special thanks to Ms. Uma Lakshmi, Ms. Kartika Jay Kumar, Ms. Ajisha KV, Mr. Ramesh Naika, Mr. Sandesh Bhavte, Mr. Chaluri Babu, Mr. Sandesh Kamble, General Secretary of Student Council TISS Tuljapur, Shri Chandra Mohan, Tafe Private Limited, and today the stage is very beautifully decorated. This is due to because of our friends and well-wishers, that is former producer company colleagues, Pawar and the other colleagues in Osmanabad district, and thanking them. So finally, I appreciate and congratulate all MA Social Innovations and Entrepreneurship students and volunteers, without whose constant support and efforts and commitment this program would not have been realized. And I thank to one important guest is there who came from all the way to bring all aspirant women from the Latur district, Kiran Wakure. So finally, May Maja Vijayati Sanish Kulkarni, Prithviraj Ani Asaram Enche, Bashantar Karnaya, Sahakarya Karnaya Sati, Abar Mangtum. Thank you.